तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम्हारी फ्रेंडशिप, टोटली यू आर सो क्यूट। इधर ही छोड़ देते हैं, गुड बाय। अब मेरी गलती क्या है, क्या हुआ? मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं, चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ। चलो मालिनी, आज तुम जस्ट मजे करने के लिए और घूमने के लिए चाहिए, शादी किसी और से करोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, मैं पागल हूँ। अब मेरी गलती क्या है, तुम्हें तो जरा भी रहम भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पत्थर हो गई। उसे क्यों बंद किया, क्या है वहां? कुछ नहीं। बोलो। कुछ नहीं। प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या छुपा रही हो? प्लीज चले जाओ। ये सब क्या है, बोलो, क्यों ले रही हो ये सब, बोलो। लंबी उम्र जीने की आशा देकर कुछ ही पल दिए हैं मुझे भगवान ने जीने के लिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और जो वक्त है उसे खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुझे सेव करने के लिए तुझे छोड़ रही हूँ मैं। ये जानते हुए कि मैं मरने वाली हूँ, ये जानकर भी मैं तुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ बोल, बहुत रोना आ रहा है मुझे। जिंदगी को बचा लेने के लिए भी दिल कर रहा है, तुझे एक बार गले लगाने का दिल कर रहा है। अमूल्य, मैं मरने नहीं चाहता। चुप रहो। अमूल्य। आनंद, उसके ब्रेन में ट्यूमर है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह साइज बढ़ा तो उसके ब्रेन के सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाएगा। सर्जरी किया तो बचने का चांस है, इसी एक महीने के अंदर सर्जरी करानी पड़ेगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं तुरंत पैसे के पीछे भाग गया। फ्रेंड्स, पहचाने वाले जो थे आईटी वाले कर्मचारी के साथ, किधर भी कोशिश करने से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। आखिर में कंडा नगर में रहने वाले मेरे फ्रेंड्स के पास जब पूछने के लिए मैं गया था तो तुम्हें उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाते हुए देखा था, उसके बाद तुम्हें फॉलो किया। वैसे उस लड़की को प्रॉब्लम है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है ना? स्टोरी में बहुत चेंजेस है तेरी तो। तू जाके उसको श्रद्धांजलि दे और जाके बढ़िया सा एक गाना गा उसके लिए। ठीक है, ऑपरेशन के लिए जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। लो, इसके अंदर का इंसान फिर से जाग गया। पता नहीं अंदर से आदमी की औरत, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। अरे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे ऊपर निकालो भाई। ए, ऊपर खींचो। ए, तू हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? तू ऐसी जगह पे लेके आया हमें? अरे घर में इतना पैसा रखना सेफ नहीं है, उसके लिए सेलर में जो गाड़ी वहां पर रखा हूँ। क्या रे, उल्टा लटका है इसलिए दिमाग खराब हो गया? गाड़ी कहाँ पार्क किया था, भूल गया? अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, बता मुझे। गाड़ी गायब हो गई है। पहेलियां मत बुझा, सच सच बता पैसे कहाँ है, मुझे इस पे पहले से डाउट था। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला वो पैसे दे दे, सच बोल यार। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मार क्यों रहा है? Oh!
मार दो। लाइफ में पहली बार मैंने चोरी की है, वो भी बहुत जरूरी है। कल ही सर्जरी है, कल 6 बजे से पहले मुझे वहां पैसा लेकर पहुंचना होगा। मार दो, मार दो। ए, ए, रुक, ए, रुक। वो झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है वो। इसकी कार कहां चली गई? अरे देखो कैसे बेहोश होकर सो रही है। चलो बड़ा टली। हे हे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हे कहाँ भाग रहे हो? हे रुको, यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, अभी से खोलता हूँ। खुल जाओ। शाबाश, मानना पड़ेगा, हम एकदम बढ़िया सूट कैसे लाइफ सेट हो जाएगी। देखो कैसे सो रही है। पुलिस आ गई, भागो। ए, किधर जा रहे? डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? इनसाइड। पोल्यूशन? अभी है फोन में। लाइसेंस? लाइसेंस है वो गाड़ी में। वो लड़की कौन? माय वाइफ, फुली ड्रंक, ओवरलोड, टेकिंग होम, प्लीज। ओके ओके, ठीक है, जाओ। आई लव यू, बाय। पप्पू भाई, नमस्ते पप्पू। हाँ नमस्ते। अरे क्या बात है, पैर पे गिर गया? हमारा ओनली बिजनेस ये प्यार व्यार में झुकना इधर नहीं चलेगा। पैसे वैसे लेकर आया? वो डब्बू कहना ठीक से पूछने में समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? तुमने बोला था बन मन में दे रहा हूँ, मार डालूंगा बे। क्या ये, क्या रे आवाज उठाता है? ये एमएलए है, बड़ा आदमी है ना। सॉरी बोल। सॉरी। हाँ देखो एमएलए, हमारा शेड्यूल टाइम फिक्स है, कल शाम को 6। लास्ट मिनट में भी किया तो ओके, एक सेकंड भी लेट हुआ ना तो जो तुम बना रहे हो ना उसमें बम डाल के मैं उड़ा दूंगा और मेरी साइट भी ले लूंगा, और जो तुमने दिया उस 75 करोड़ में से एक भी नहीं दूंगा। क्यों रे, सही कहा ना, निकलो, जाओ जाओ, जल्दी करो। हेलो। हेलो गुरु, कहाँ हो तुम? अर्जेंटली तुमसे मिलना है। अरे ये क्या? मौकी क्या है? हाँ? गाली से टक्कर मारता है? तो मैंने तुझे गाली दी इसलिए मेरी गाली ठोकता है क्या? तेरी मौकी तो ही। देखो इसका चेहरा देखो, क्या बे? ऐसे बेशर्मों की तरह देखे जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरी अकल किधर रहती है बे? तेरा दिमाग घुटने में है क्या? ए, पागल हो गया? कुछ भी करे जा रहा है? ये शूटिंग वाला सूट पहन के तू अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है क्या? तेरी तो नाकी खींच कर दूंगा ना तुझे। मुझसे भिड़ रहा है तू, मुझसे भिड़ रहा है, तेरी तो बताओ तुझे। अरे बाप रे, मां कसम पहले ये गाली नहीं सुनी। अरे मुंह मत कर, ज्यादा बात। ठीक है ठीक है, चाहिए तो पैसा मेरे पास भी, उधर भी पैसा, इधर दे पर्स पूरा दे मुझे, इधर पकड़ इसको। वो पूरा है। अब चुप, ढंग से मार दूंगा मैं तेरे। तेरी तो पकड़ इसे, जहां रखना वहां रख। अरे कौन है ये? सारा पैसा मिल गया। अरे कौन है ये? किसी से नहीं डरता हूं मैं, इससे मैं डरता हूं बोले तो? लगता है हम दोनों के बीच में कुछ गहरा संबंध है। अबे मुर्दे कहेंगे, आज तो तू मर गया रे। अबे जा, अबे आ जा, नाराज कहेंगे
तेरी वजह से वो लड़का गंदा गंदा गाली देकर गया मुझे। तुम नींद में सो रहे हो? उसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? और मुझसे पूछ रहे हो ये न्यूज का इन्फॉर्मेशन? दोबारा सजा तो फिर डंडे घुसे मारूंगा। अंदर घुसा के रखो। इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था, तुमको मारने के लिए बोला था ना? आपने तो कुछ नहीं बोला था। सर आपने अर्जेंट मुझे बुलाया। तुम्हें एक जरूरी काम करना है। ये नहीं होगा सर, मेरा 50 लाख का संखो दिया सर, इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ सर, अभी तक नहीं मिला। अरे 50 लाख छोड़, 1 करोड़ देता हूँ। ये चाहिए हर हाल में। अगर इसको पकड़ के देता हूँ तो 1 करोड़ मेरा डन। ओके। अरे पकड़ के दिया तो करोड़ रुपया देने की बात कर रहा है, तो फिर इसकी कीमत करोड़ में जाएगा। ये भरोसे के लायक नहीं, इस कुत्ते के ऊपर नजर रखनी होगी। भाई इस एमएलए से जिसने करोड़ रुपया लिया था वही है। 25 करोड़ को जिसने चुराया ये वही है क्या? उस एमएलए के हाथ लगने से पहले हम ही इसको मार डालेंगे, तभी उसने हमें जो दिया है वो 75 करोड़ हमें मिलेगा। इसे मारने का, इसे मार डालने का है बे। कैसी हो अमूल्या? थोड़ा डर लग रहा है मुझे। मैंने पैसा भर दिया है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरा फ्रेंड्स शिवा और राजा। हाय हाय। अरे अरे तुम आराम करो, कोई बात नहीं। दर्द तो सिर्फ सर में है, बॉडी एकदम ओके है, मैं बैली डांस भी कर सकती हूँ। आप लोग एकदम लकी हो। अगर सर्जरी के बाद मुझे मिले होते ना, तो मुझे दौड़ के पकड़ना पड़ता। इस वक्त अनंत को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए भगवान ने आप लोगों को भेजा है। सर्जरी मेरे लिए कोई बड़ा दर्द नहीं है। एनेस्थीसिया के नशे में दर्द का पता नहीं चलेगा, एहसास ना होगा। सर्जरी फेल हो गई तो कसम खाओ अनन का ध्यान रखोगे। हमारे पास 24 घंटे का टाइम है। अब इस गाड़ी को जिस किसी ने भी चुराया है उसको इसकी वैल्यू नहीं पता। उसमें 25 करोड़ है ये भी नहीं पता। कार का मॉडल क्या है? मारुति 86 मॉडल। 27 इयर्स ओल्ड। बेचने से भी पैसा नहीं मिलेगा। रोड टैक्स ना भरने की वजह से लॉन्ग जर्नी के लिए भी काम नहीं आएगी। इसका मतलब सिटी में ही घूम रही होगी, ढूंढने से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। चलो।